नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप गोट फार्म या सीप फार्म, भेड़ या बकरी का फार्म स्थापित करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार की जो स्कीम है उसके अंतर्गत भेड़ या बकरी का फार्म इस्टेब्लिश या स्थापित करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम है इसके अंतर्गत यदि आप कोई भी गोट फार्म या सीप फार्म इस्टेब्लिश करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको जो है बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए हम स्कीम की पूरी गाइडलाइन देख लेते हैं कि इसमें किस किस को या बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कितने बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन या बेनिफिट ले सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए देखिए, जो व्यक्ति या जो कोई एंटिटी या संस्था यदि अप्लाई कर रही है तो उसको इस चीज़ का नॉलेज होना, या उनके डायरेक्टर को इसका नॉलेज होना, उन्होंने कोई डिप्लोमा या ट्रेनिंग करके रखी हो, उनके पास स्वयं की लैंड हो या लीज पे लैंड लेके रखी हो, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जो होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके अंतर्गत एलिजिबल है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई FPO, FPC, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप या अन्य कोई सेक्शन एट कंपनी या चैरिटेबल कंपनी जो होती हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस स्कीम के अंतर्गत देखिए, कम से कम आपको मिनिमम 500 मादा और 25 नर का भेड़ या बकरी का जो है फॉर्म तैयार करना होगा। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 500 फीमेल और 25 मेल की है। इसके अंतर्गत आपको जो है इस स्कीम में जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट का आपको 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मतलब जैसे आपका प्रोजेक्ट जो है 50 लाख का है तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको 50% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो सब्सिडी है वो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपके बैंक में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम इसमें बात करते हैं। तो इसमें एलिजिबल एंटिटीज़ कौन कौन हो गई, FPO हो गई, FPC हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गई, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप हो गई, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया या अन्य कोई सेक्शन 8 कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हैं तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल हैं। इस स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई है तो वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो रहेगी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और एक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियाँ रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इनके द्वारा आपको जो है फॉलोअप प्रोवाइड किया जाएगा प्रोजेक्ट से 2 साल तक। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि अपने FPO के अंतर्गत या व्यक्तिगत तौर पर या सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत अपना गोट फार्म या भेड़ या बकरी फार्म स्थापित करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत आप स्थापित करके उस पर अधिकतम 25 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम की गाइडलाइन आप ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की वेबसाइट है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की, वहाँ जाके राष्ट्रीय पशुधन मिशन पे जाके हिंदी और इंग्लिश में गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इस स्कीम में आपको अधिकतम 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट डालने के लिए आपको जो है 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप अपना जो है भेड़ या बकरी का फार्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।